आपका दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में से किसे मानते हैं और क्यों? हमने आपके प्रश्न नंबर एक में जाना कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, और अभी हम जानेंगे कि पहले जाने के ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों कौन हैं और इनका हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, इसको हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक श्लोक, जो आप बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, देख रहे हैं, गुरुर् ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा, तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। हम ध्यान से देखें, हमने ब्रह्मा को भी गुरु कहा, विष्णु को भी गुरु कहा, शंकर को भी गुरु कहा। हम समझते थे तीन है जो सृष्टि के रचयिता है। हमने इतने तक ही अपने आप को समझ रखा था, परंतु अगली लाइन गुरुर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वरा, इन बातों को हमने बोला तो सही परंतु इसको समझा नहीं। एक गुरु और भी है जो साक्षात परम ब्रह्म है, जो परमेश्वर है, उस सतगुरु को मेरा नमस्कार। वो इन तीनों का भी पिता परमात्मा शिव है, जिसे यहाँ ऊपर दिखाया है कि ये तीनों का भी पिता है, और इसे कहा है सतगुरु। इन तीनों के साथ गुरु लगाया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, परंतु इसके साथ गुरु जो चौथा है उसके साथ लगाया है कि ये है सत्यम शिवम सुंदरम। कभी सत्यम ब्रह्मा नहीं कहेंगे, सत्यम विष्णु नहीं कहेंगे, सत्यम शंकर नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम। जो पिछला वीडियो है शिव और शंकर में अंतर वाला, उसके अंदर आप इस बात को समझ सकेंगे कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, परंतु यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये तीनों गुरु हैं, ये सतगुरु है क्यों, इस बात को हमें समझना है। देखो, अमृत के घड़े में एक बूंद जहर डाल दो, सारा अमृत जहर बन जाएगा। आपने सारी जिंदगी सच बोला है, आपने थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो आप संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि झूठ बोल दिया। और इन तीनों ने तो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, शरीर लिया, कर्म किया, कर्म का फल भोगा, ये तो भोगता है। जिन्होंने झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकते। तो परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण सत्य है, जो अभोक्ता है, जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो आयोनी है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है, वो सर्व धर्मों का पिता परमात्मा है, वो सत्य है। दूसरा अंतर हम देखेंगे, क्योंकि जिसने देह धारण कर ली वो कभी भी सत्य गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सत्यम ब्रह्मा, सत्यम विष्णु, सत्यम शंकर नहीं कहा गया। दूसरी बात, परमात्मा शिव को कहा जाता है सदा शिव। कभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर किसी देहधारी को सदा नहीं कहेंगे, सदा राम, सदा कृष्ण, सदा ब्रह्मा, सदा विष्णु, सदा शंकर, नहीं। क्यों? क्योंकि देहधारी ने एक देह धारण किया, उसको छोड़ा दूसरी देह धारण किया, देह बदलती जाती है, नाम भी बदलता जाता है,
जैसे राम ने एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया, नाम चेंज हो गया, परंतु परम पिता परमात्मा अभोक्ता और अशरीरी होने के कारण कभी देह नहीं बदल धारणी नहीं करता, तो देह बदलने का प्रश्न नहीं उठता, तो इसलिए उनका नाम आत्मा का नाम है, ये इनके नाम देह के नाम है। देह के नाम हर बार बदलते रहेंगे, परंतु परमात्मा का नाम कभी नहीं चेंज होता। वो सदा शिव है, वो सदा कल्याणकारी है, वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को कहते हैं दुख हरता, सुख करता, कल्याण करता। कभी परमात्मा को अकल्याण करने वाला नहीं कह सकते। तो हमें समझ में आया कि पूज्य है तो केवल शिव, परमात्मा शिव पूज्य है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु शंकर 33 करोड़ देवी देवताएं पूजा करते हैं। इसीलिए किसी भी मंदिर को बनाने से पहले वहां शिवलिंग रखा जाता है। नियम अनुसार यदि मंदिर बनाया जाएगा तो पहले शिवलिंग की स्थापना होगी और फिर किसी और देवी देवता की मूर्ति की स्थापना होगी। देवी देवताएं सब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। यदि आपने ध्यान से देखा हो, रामेश्वरम में राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, विश्वनाथ में शिवलिंग, पशुपतिनाथ में शिवलिंग, अमरनाथ में शिवलिंग, आप जापान के अंदर एक धर्म है वो भी शिवलिंग, रामेश्वरम में शिवलिंग, शायद ही कोई मंदिर मिले जहां शिवलिंग ना हो। मुसलमान भी हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा हुआ है जिसे वो अपनी भाषा में कहते हैं संग ए अश्वद। संग ए अश्वद माना काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर, खुदा नहीं कहते। सारे वर्ल्ड के अंदर शिवलिंग की पूजा होती है, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उनका नाम रखा है। चिन चुन से की जापानी भाषा में बोला जाता है, कहीं उसको ओराडो कहा जाता है, कहीं ओरिस कहा जाता है, कहीं ओसिरिस कहा जाता है, कहीं शिवड़ू कहा जाता है, भाषा कुछ भी हो सकती है, तबे सेपी कहा जाता है। अलग अलग धर्म के अंदर, अलग अलग देश के अंदर नाम उन्होंने बेशक अलग दिए, परंतु उन्होंने निराकार अशरीरी अजन्मा परम पिता परमात्मा को कोई हाथ पैर नाक मुंह आँख कान नहीं दिया है, अंग नहीं दिया है, क्योंकि परमात्मा अशरीरी है और अभोक्ता है, जिसे सारे संसार के धर्म मानते हैं, जिसे संस्कृत में हमने ओम कहा, गुरु नानक जी ने एक ओम आकार कहा, हमने मंदिर में दिया जलाया, चर्च में लाइट जला दी, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, जैन मंदिर में जाओ, बौद्ध मंदिर में जाओ, सब जगह ज्योति जलाते हैं। कहा भी जाता है आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। तो हमें समझ में आता है कि परम पिता परमात्मा शिव, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, जिसे सारे संसार के धर्म मानते हैं, हम उस परमात्मा को मानते। आपका प्रश्न नंबर 3 भी आपको मिल गया होगा कि ब्रह्मा की महिमा है, शंकर व विष्णु की क्यों नहीं। वास्तव में चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उसकी महिमा उसके उसके गुणों के हिसाब से है। हमारे लिए सभी देवी देवताएं बराबर हैं, परंतु योग्यता अनुसार वो समाज में अपना प्रतिष्ठा या अधिकार प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ पर आपका प्रश्न सीधा लगता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं या विष्णु शंकर को क्यों नहीं मानते। क्वेश्चन आपका मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये है कि परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अब अपना सारी सृष्टि को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है।
इसलिए आपको लग रहा है कि ये ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु या शंकर को नहीं मानते। हमारे लिए सभी देवताएं हैं, परंतु हर एक का अपने अपने स्थान पर महत्व है। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 है कि आप किसको पूजते हैं। हम किसी की भी पूजा नहीं करते। परमात्मा कहते मुझे तुम्हारी पूजा की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल एक निराकार अशरीरी अजन्मा अयोनि अभोक्ता परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा ही है। इसलिए कहते हैं आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी, और उस परमात्मा को याद करने का मतलब उसका कहना मानना। क्योंकि अब हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं जो चैतन्य है, और हम उस परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर अपने आप को चलाते हैं। जैसे बच्चा अपने शरीर के माता पिता के कहे अनुसार कर्म करता है तो वो सुखी रहता है, ठीक इसी प्रकार हम आत्मा के पिता परमात्मा के कहे अनुसार काम करते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक सुखी रहता है। तो हमें पूजा नहीं करनी होती, हमें केवल कहना मानना होता है। संसार में परमात्मा को मानते हैं परंतु परमात्मा की मानते नहीं। दो लाइन में अंतर समझना है। परमात्मा को मानते हैं परंतु परमात्मा का कहना कहाँ मानते हैं। अब हमें परमात्मा का कहना मानना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपका लास्ट प्रश्न है 24 अवतारों के बारे में बताएं। वास्तव में समय समय पर ये अवतार और उन्होंने समय समय पर आकर जब संसार में बुराइयां आई उन्हें दूर करने का प्रयास किया। यहां हम देख रहे हैं मत्स्य अवतार। आप विचार करें, परमात्मा जब शरीर ही धारण नहीं करता क्या वो मछली के रूप में अवतरित होंगे? सोचने की बात है। क्या परमात्मा वराह अवतार लेंगे? सुवर, वराह कहा जाता है सुवर को, मुख वाला अवतार लेंगे? क्या बलराम अवतार लेंगे? कलयुग के लिए कहा जाता है कलि अवतार लेंगे? क्या परमात्मा कूर्म या कछुए का अवतार लेंगे? संसार से पाप और दुख बताने के लिए राम का अवतार लेंगे? वामन अवतार, परशुराम अवतार, हिरण्यकश्यप अवतार, श्री कृष्ण अवतार? पहली बात ये समझनी है कि परमात्मा आए और अवतार लें। कितने अवतार लेंगे? एक युग में एक अवतार लेंगे या एक युग में चार चार अवतार लेंगे? युग हैं 4 और 4 युगों में 24 अवतार, एक युग में 6 अवतार हुए। परमात्मा कहते बच्चे तुमने मुझे क्या कर दिया। ये ऐसी गपोड़ कहानियां हैं, अब मैं आपको एक एक अवतार की गपोड़ कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं कृष्ण को ले रहा हूं कि श्री कृष्ण अवतार हुआ। श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं, श्री कृष्ण एक अलग आत्मा है। उसने अब कलयुग के अंत में
जब वो एकदम काला हो जाता है, कृष्ण को काला कहा जाता है, काला हो जाता है, पतित हो जाता है, काली देह में गिरने कारण पतित हो जाता है, तभी उसे काला कहते हैं। तब परमात्मा आकर ज्ञान देकर उसे पावन बनाते हैं, वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, तब वो सतयुग का गोरा कृष्ण बनता है। इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं कि कृष्ण को श्याम व सुंदर क्यों कहा जाता है। कृष्ण एक अलग आत्मा है जिसने पूरे 84 जन्म लिए और अपने आप को पावन बनाया। यहाँ हम मत्स्य अवतार को देख रहे हैं। विचार करो, मछली का रूप परमात्मा ने क्यों लिया? जो मनुस्मृति के अंदर इसकी कहानी को दिया गया है कि मनु तपस्या कर रहे, पानी में जल कर दे रहे थे सूर्य को, तो उन्हें आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब देखा कि चारों तरफ से कहीं से कुछ नहीं है, तो कहा कि तुम कहाँ हो? बोले मैं तो तुम्हारे हाथों में हूँ। देखा एक बहुत छोटी सी मछली है, और उसने कहा मुझे बचाओ, मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, तुम अब चिंता मत करो, तुम तो अब राजा की शरण में हो। ठीक है, तो उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाला और अपना पूजा करना शुरू किया। तो तब देखा कि कमंडल में भी वो बड़ी हो गई, बोले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस कमंडल में नहीं रह पा रही। तो राजा उसको लेकर के घर की तरफ चले, बड़े तालाब में आकर के उसे डाला, तो वहाँ पर तालाब जितनी हो गई, बोले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो समझ गए कि एक साधारण मछली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करना, आप बताओ कि कौन हो? तो उन्होंने विष्णु रूप निकाल करके अपना साक्षात्कार कराया कि मैं हूँ और मैं आया हूँ तुम्हें आगाह करने के लिए कि एक नाव बनाओ, क्योंकि अब पृथ्वी का विनाश होने वाला है और तुम उससे हिमालय पर्वत पर चले जाना। अब सोचिए कि परमात्मा को मछली बन करके सिर्फ एक मनु को संदेश देना होगा। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते, मैं एक मनु नहीं, सारे मनुष्य जाति को, सब जीव और जंतुओं को, क्योंकि वो जीव जंतु समझ नहीं सकते, उनकी जगह तपस्या भी आपको करनी होती है, मैं सर्व आत्माओं को आकर पावन बनने का संदेश देता हूँ, उन्हें इस भाव सागर से पार करने की विधि बताता हूँ जो मैं अब आकर बता रहा हूँ, ना कि मैं मछली के रूप में आता हूँ। सुवर का मुख लेने वाला वराह अवतार क्यों हुआ? इसके पीछे कहानी आपको मैं संक्षिप्त में दूंगा कि देवता त्राही त्राही करते हुए नारायण के पास पहुँचे कि हमारी पृथ्वी को राक्षस पाताल में ले गए। जब ये पहुँचे तो नारायण ने क्या किया कि अपनी आंखें बंद की, आपने एक चित्र देखा होगा, उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, कमल के फूल से ब्रह्मा निकलता है, ब्रह्मा की नाक से वराह का अवतार होता है और वो जाकर पाताल में जो पृथ्वी को लेके गए थे राक्षस, उसको निकाल कर लाकर उन सबको देता है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे जादू मंत्र होता है कि उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलेगा और उस कमल के फूल पर बूढ़ा ताजधारी चारों वेदों को हाथ में पकड़ा हुआ ब्रह्मा निकलेगा। कभी सोचा ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? और फिर ब्रह्मा भी कुछ नहीं करते, उनके नाक से एक दूसरा देवता निकलता है और वो जिसका मुख जो है सुवर जैसा है और वो जाकर राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवताओं को ला कर देता है। आप परमात्मा कहते बच्चे, सारी दुनिया जब एकदम तमो प्रधान पतित, सबका चरित्र जब पाताल में चला जाता है आसुरी गुणों के कारण, तब मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ, इस भाव सागर के दुखों से मुक्त कर खीर सागर में ले जाता हूँ, स्वर्ग में ले जाने की विधि सिखाता हूँ जिससे सब पावन बनते हैं। बाकी इसमें कोई सुवर जैसा मुख वाला अवतार होने की बात नहीं है।
वामन अवतार। अब आप देखिए कि असुरों और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। असुरों का जो देवता है राजा बलि, उसने 100 यज्ञ कर लिए हैं। अब उसे चिंता हो गई कि इंद्र का राज्य, इंद्र का सिंहासन डूब जाएगा। तो विष्णु के पास जाता है। विष्णु वामन रूप लेकर के बलि के पास जाते हैं और उससे धोखे से 3 पैर पृथ्वी मांग लेते हैं और उसे संकल्प करवा लेते हैं। और जब वो प्रतिज्ञा कर लेता है तो 1 पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया और 1 पैर में आकाश को नाप लिया। बोला, तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसने अपना सिर आगे किया, उसको पाताल में भेज दिया। सोचिए, भगवान जाकर किसी यज्ञ करने वाले को, जो 100 यज्ञ करके इंद्र बन सकता है, परमात्मा को क्या फर्क पड़ता था? इंद्र ज्यादा प्रिय था, वो ज्यादा दुश्मन था? ये विचार करने वाली बात है। परमात्मा के लिए तो सब एक जैसे होते हैं ना। परमात्मा कहते, बच्चे मैं आकर तुम सारे संसार की आत्माओं को, जो आसुरी दुनिया वाले बन गए थे, दैवी दुनिया वाला बनाने के लिए तुमसे 3 पैर पृथ्वी मांगता हूँ। तुम्हें आकर सिखाता हूँ कि कैसे 3 पैर पृथ्वी पर तुम्हारा इस संसार में काम चलता है। तुम आत्मा को तो इस संसार की कोई वस्तु की जरूरत नहीं, परंतु इस शरीर में रहते हुए जितनी जगह में आप खड़े हो सकते हैं, उतनी जगह तक आपका अधिकार है। बाकी तो कौन यूज करेगा, वो उसका पार्ट है ना। और उसके बाद परमात्मा ने कहा, बच्चे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, अपना तन मन धन, ये तुम 3 चीजें मुझे दे दो। ये 3 पैर है, क्योंकि इस तन से भी तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये तुम्हारा मन भी मुझे दे दो और ये धन भी मुझे दे दो। मैं क्या करूँगा? मुझे ना तो तुम्हारा तन चाहिए, ना तुम्हारा मन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। तुम्हारा यह बीमार तन, तुम्हारा ये गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, मैं क्या करूँगा? मुझे देने का मतलब अब ये मेरे हैं, अब तुम इन 3 चीज़ों को यूज़ करो, परंतु यूज़ करने से पहले मेरे से पूछो। जो डायरेक्शन मैं दूँ आप इसको यूज़ करो। ऐसा करने से तुम पावन बन जाएंगे, तुम स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के अधिकारी, सतयुग के मालिक बन जाएंगे। ना कि ऐसा कोई वामन अवतार होता है, परशुराम अवतार, जो 21 बार अपने फरसे से क्षत्रियों का वध कर दे, वो परमात्मा हो सकता है? जिसको मर्जी अवतार कह दो, हिंसा करने वाला परमात्मा हो सकता है? यदि आप समझते हैं कि ये भी परमात्मा है, तो आपकी मर्जी है। हिरण्यकश्यप अवतार, अब प्रहलाद को बचाने के लिए, असुर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए परमात्मा शेर के मुंह और मनुष्य जैसा शरीर धारण करे, उसको दिन और रात के बजाय बीच में मारे, क्या परमात्मा ऐसे काम करेंगे? उसको किसी को मारने के लिए ये ऐसे काम करने की जरूरत है? ये सिर्फ एक कहानियां घड़ी गई, रोचक कहानियां बनाने के लिए, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए लिखा गया कि उसने वरदान मांगा था, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं। मतलब कहने का मतलब घुमा फिरा कर लास्ट में उस कहानी को पूरा करना। ये केवल रोचक कहानियां हैं, ये कोई सत्य नहीं है। श्री राम अवतार, अब राम सोचिए,
राम राज्य की भी कल्पना सारे करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। जरा सोच कर देखो कि राम को अपने जीवन में जन्म लेने तक अंत तक कभी सुख मिला? जब राम को अपने जीवन में सुख नहीं मिला तो बताओ किसी और को क्या सुख मिलेगा? सोच करके देखो, राम की सीता को चुरा कर ले जाए, पैदा हुआ गुरु जी के साथ गया, ताड़कावाद ये सब करता रहा, वापिस आया शादी करके तो वनवास मिल गया, राजगद्दी नहीं मिली। 14 साल वनवास में काटता रहा, वहां भी असुरों के साथ दुखों कष्ट को उठाता रहा, और रावण का वध करके वापिस आया तो सीता को घर से निकाल दिया। सोच करके देखिए, क्या ये परमात्मा का कार्य है? परमात्मा का कार्य है संसार से आसुरी गुणों को निकालना। ये रावण कोई बाहर नहीं है, रावण हम सबके अंदर है। 10 सिर वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। 10 को हराओ तो दशहरा मनाओ, 10 बुराइयों पर विजय प्राप्त करो तो विजयदशमी मनाओ। अब हम अपनी बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तो विजयदशमी कैसे होगी? अब परमात्मा कहते, बच्चे मैं तुम सब आत्माओं को आराम देने वाला राम हूँ, जो आकर तुम्हें आराम दिलाता हूँ, तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हारे अंदर दुख देने वाले कारण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिड़चिड़ापन, निराशा की भावना बदले। ये 10 राक्षस हैं, जिसके अंदर ये 10 या 10 में से 1 भी है वो दुखी है। ये 10 निकल जाएं तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। अब ये कछुए का अवतार कैसे लिया? बोले कि देवताओं और असुरों में एक सहमति हुई कि हम समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन करके उसमें जो छुपे हुए रत्न हैं उनको प्राप्त करें। अब देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन करना शुरू किया। अब समुद्र मंथन करने के लिए पहले तो मंदराचल पर्वत को लाया गया, उसको वासुकी नाग से लपेटा गया। अब निर्णय किया गया कि किस तरफ से कौन पकड़ेंगे, तो असुरों ने कहा कि हम तो पूंछ से पकड़ेंगे, कहीं मुख से काट ले ये तो। उधर देवताओं ने और उधर ने उसको पकड़ा, और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को, पहाड़ को हिलाना शुरू किया तो पहाड़ नीचे धंसता जा रहा था। बोले अब क्या करें? पहले तो सोचने वाली बात है, चलो अब उसमें कहा कि ये नारायण ने कहा कि मैं कछुआ बन के आ जाता हूँ, मुझे इस पहाड़ के नीचे कर दीजिए। आप ये समुद्र मंथन का सीन देख रहे हैं, नीचे कछुआ है। अब नारायण जो है नीचे कछुआ बनकर आ गया, अब ब्रह्मा जी को ऊपर बिठा दिया गया। ब्रह्मा जी को ऊपर क्यों बिठाया? जब वो इसको मथते थे, क्योंकि कछुआ का पीठ गोल होती है, वो पत्थर उसके ऊपर रुक नहीं पा रहा था, तो कभी इधर जाता था तो कभी इधर जाता था, तो उन्होंने ब्रह्मा को ऊपर बिठाया कि ये उसे हिलने डुलने नहीं देगा। अब जब उसको उन्होंने मथना शुरू किया तो सबसे पहले आपको मालूम है कि उसमें से जहर निकल के आया। बोले जहर क्या करेंगे, जहर क्या करेंगे? तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा तो ये तो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? अब उन्होंने क्या किया कि शंकर जी को बुलाया और उसको जहर सारा पिला दिया। इसी प्रकार से अब जब जहर निकला तो जहर किसको पिलाया गया? शंकर जी को पिला दिया। उसके बाद उसको मथना शुरू किया तो उसमें से लक्ष्मी निकली। बोले लक्ष्मी किसको दे देवें? बोले जी नारायण बहुत मेहनत कर रहा है, कछुआ बन के उसके नीचे है, इसलिए लक्ष्मी की शादी नारायण के साथ करा दी। उसके बाद मथना शुरू किया, कामधेनु गाय निकला उसको स्वर्ग में भेज दिया, रावत हाथी निकला उसको स्वर्ग में भेज दिया। जो जो रत्न निकलते गए उनको स्वर्ग में भेजते गए, और लास्ट में निकलाया अमृत। जब अमृत निकला तो क्या करें? असुरों ने देखा जो कुछ निकलता है ये सारा का सारा ऊपर भेज देते हैं, ये ले लेते हैं। अमृत का मटका उन्होंने उठाया और भाग लिए। अब
कामनी का रूप लेकर के नारायण गए और उनसे वो जहर लेकर चालाकी से उनके साथ नृत्य करते करते सारा जहर सारे अमृत देवताओं को पिला दिया। अब विचार करो जरा, ध्यान से सोचो जरा, क्या समुद्र के मंथन से ये चीजें निकल सकती हैं? आप परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे, ये समुद्र का मंथन नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि का मंथन है। आसुरी बुराइयां तुम्हारे जीवन में भरी पड़ी थी, अब मैं आकर देवी संस्कार तुम्हें देता हूँ। तो जब हमारे अंदर देवी संस्कार जाते हैं, आसुरी संस्कारों और देवी संस्कारों के बीच में युद्ध होता है। जब ये युद्ध चलता है तो मंथन होगा ना, किसकी विजय होगी? देवी संस्कारों की विजय होगी। तो देवी संस्कारों की विजय होगी तो अंदर से क्या निकलेगा? जहर निकलेगा। जहर परमात्मा शिव कहते बच्चे मुझे दे दो, अपनी सारी बुराइयां सारे अवगुण मुझे दे दो, देवी गुण तुम अपने जीवन में ले लो। बाकी उनका क्या करना है? परमात्मा ने अवगुणों का मीन्स त्याग दो। दूसरी बात, ज्ञान मिला तो ज्ञान लक्ष्मी जैसा बड़ा धन कोई नहीं होता। तो परमात्मा कहते ये तुम्हारा है। कल्प वृक्ष की नॉलेज मिली, ज्ञान सूर्य परमात्मा का परिचय मिला, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा अपने ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा के पास भी उस परमपिता परमात्मा से ज्ञान मिलता, जैसे चंद्रमा सूर्य से चमकता ऐसे ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे तुम। और ये सारी बातें ये आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी हुई हैं, एक एक बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, विस्तार से जानना हो तो मेरे 24 अवतारों की अलग अलग अवतार की एक एक वीडियो बनी है, उसे आप देख सकते हैं। परंतु फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि परमात्मा कोई 24 अवतार नहीं लेते हैं, परमात्मा आते हैं सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए। ओम शांति।